आईपीएल 2024 में गुजरात और कोलकाता के बीच खेले गए 63वें महामुकाबले में बारिश के कारण हुआ यह महामुकाबला रद्द और उसके बाद आईपीएल की पॉइंट टेबल में आ गया बड़ा भूचाल। जी हां दोस्तों, आईपीएल 2024 के 63वें महामुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स और गुजरात टाइटंस की महाभिड़ंत होने वाली थी। इस महामुकाबले में गुजरात टाइटंस और कोलकाता के बीच में यह महामुकाबला शुरू होता तो उससे पहले यह महामुकाबला रद्द घोषित कर दिया गया और इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण जैसे ही मुकाबला रद्द हुआ दोनों टीमों को पॉइंट टेबल में एक एक अंक प्राप्त हुए। साथ में मौजूदा पॉइंट टेबल का समीकरण पूरी तरीके से लड़खड़ा गया है। तो मौजूदा पॉइंट टेबल में टॉप 10 टीमें कौन सी टीम किस पायदान पर नजर आ रही है, प्लेऑफ से क्यों गुजरात टाइटंस बाहर होती हुई नजर आ रही है, कोलकाता ने किस तरीके से इतिहास रचा है, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर किस तरीके से प्लेऑफ में पहुंचेगी, मौजूदा पॉइंट टेबल का पूरा समीकरण हम आपको इस ब्रांड रिपोर्ट में दिखाने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आपको क्या लगता है आईपीएल 2024 के अंतर्गत कौन सी चार टीमें प्लेऑफ में फाइनली पहुंचेंगी, प्रतिक्रियाएं कमेंट में दीजिए। आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए हमारे चैनल को। दोस्तों आपको बता दें आईपीएल 2024 रोमांच की सारी हदें पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा है। वैसे तो गर्मियों में खेले जाने वाले आईपीएल में इस साल इंद्र देवता ने बहुत ज्यादा मेहरबानी करके बहुत सारे मुकाबलों को प्रभावित किया है। ऐसे में ही 63वां महामुकाबला आईपीएल इतिहास की दो बड़ी टीमें गुजरात टाइटंस और कोलकाता नाइट राइडर के बीच खेला जाने वाला था। इस महामुकाबले में यह महामुकाबला भारतीय समय अनुसार शाम को 7:30 से नरेंद्र मोदी स्टेडियम अहमदाबाद में शुरू होने वाला था, मगर पानी गिरने के कारण इसको बहुत देर तक शुरू नहीं किया जा सकता। अंततः रात को 10:43 तक इसका वेट किया गया मगर पानी बहुत तेज गिर रहा था, इसके कारण मुकाबले को रद्द घोषित करना पड़ा और मुकाबला रद्द घोषित होते हुए दोनों टीमों को पॉइंट टेबल में एक एक अंक प्राप्त हुए और दोनों टीमों की नेट रन रेट भी प्रभावित हुई है। तो ऐसे में इस महामुकाबले के रद्द घोषित होने के बाद मौजूदा पॉइंट टेबल की अगर हम बात करें तो 10वें पायदान पर पंजाब की टीम चल रही है। साल 2024 में शानदार प्रदर्शन दिखाने की उम्मीद से उतरी पंजाब किंग्स ने सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया। शुरुआत में शिखर धवन कप्तानी में इस टीम ने मुकाबले हारे, फिर सैम करन कप्तानी में कुछ महामुकाबले जीते मगर फिर हारती गई। इस सत्र में इसने सबसे शर्मनाक प्रदर्शन किया। आंकड़े देख लीजिए, 12 महामुकाबलों में महज 4 महामुकाबले इस टीम ने जीते हैं जबकि 8 महामुकाबलों में इसको शर्मनाक तरीके से हारना पड़ा है। इस कारण इसके 8 अंक और -0.423 की इसकी घटिया नेट रन रेट है। ऐसे में यह अभी पॉइंट टेबल में 10वें पायदान पर और प्लेऑफ से बाहर हो चुकी है। इसके आने वाले दोनों महामुकाबले जीतकर भी यह प्लेऑफ में जगह नहीं बना पाएगी। 9वें पायदान पर मुंबई इंडियंस टीम चल रही है। साल 2024 के आईपीएल में बेहतरीन प्रदर्शन करने की उम्मीद से मुंबई इंडियंस के मालिकों ने हार्दिक पांड्या को कप्तानी थमाई थी, रोहित शर्मा को कप्तानी से हटाया था। ऐसे में हार्दिक पांड्या ने जिसने की पिछले 2 आईपीएल में गुजरात टाइटंस को अच्छी परिस्थिति में रखा, इस साल वह फ्लॉप साबित हुए। 5 बार के चैंपियन मुंबई इंडियंस की बहुत घटिया प्रदर्शन देखने को मिला। 13 महामुकाबले इस साल अब तक आईपीएल में खेल लिए हैं, 4 महामुकाबलों में जीत, 9 महामुकाबलों में शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। इसके भी 8 अंक और -0.271 की इसकी घटिया नेट रन रेट है। यह भी 9वें स्थान पर फिनिश कर रही है। अगर आने वाला एक महामुकाबला और जीतती है तो भी प्लेऑफ में क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, यानी कि अभी बाहर हो गई है। गुजरात टाइटंस 8वें पायदान पर चल रही है। इस महामुकाबले से पहले उम्मीद लगाई जा रही थी कि अगर आने वाले मुकाबलों में बहुत अच्छी नेट रन रेट जीत हासिल करेगी और फिर दूसरी टीमें खराब प्रदर्शन करेंगी तो शायद किस्मत के भरोसे यह प्लेऑफ में पहुंच जाए। मगर इस महामुकाबले के रद्द होते इसकी सबसे बुरी खबर मिली है, जहां यह प्लेऑफ से बाहर हो गई है। समीकरण और मौजूदा आंकड़े बताएं तो 13 महामुकाबले इसके फिनिश हो चुके हैं, 5 महामुकाबलों में जीत मिली है, 7 महामुकाबलों में इसको हार मिली है, 1 महामुकाबला रद्द हो गया है। इसके 11 अंक है, -1.036 की घटिया नेट रन रेट है। अगर आने वाले एक महामुकाबला जीतेगी तो इसके मैक्सिमम 13 अंक होते हैं जो कि प्ले ऑफ में कैसे भी नहीं पहुंचा पाएंगे, यानी कि गुजरात टाइटंस का अब आईपीएल 2024 का सफर यहीं समाप्त हो गया है। एक महामुकाबला सिर्फ बचा है, वह सिर्फ इसके लिए वैकल्पिक रह गया है। 7वें पायदान पर लखनऊ सुपर जायंट्स टीम चल रही है। दोस्तों आपको बता दें केएल राहुल की कप्तानी में लखनऊ सुपर जायंट्स ने शुरुआती महामुकाबले में गजब का प्रदर्शन करके दिखाया और जीत हासिल करके लग रहा था कि यह टॉप 4 में चल रही है, अंत तक यह प्ले ऑफ में पहुंच जाएगी। मगर अंत आते आते इसका बुरा हाल हो गया। पिछले 4 महामुकाबलों में 3 महामुकाबले गवाते हुए आने वाली लखनऊ सुपर जायंट्स का बुरा हाल चल रहा है। आंकड़े गवाही देते हैं कि यह प्ले ऑफ से बाहर होती हुई नजर आ रही है। 12 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में इस टीम ने अब तक खेली है, 6 महामुकाबलों में जीत और 6 महामुकाबलों में इसने हार झेली है। इसके 12 अंक हैं और -0.769 की घटिया नेट रन रेट है। इसके कारण यह प्ले ऑफ से बाहर होती हुई नजर आ रही है। अगर आने वाले दोनों महामुकाबले जीती है तो 16 अंक हो जाएंगे, मगर दूसरी टीमें रेस में लगी हुई है और इसकी नेट रन रेट में भी प्रभाव उतना नहीं पड़ पाएगा तो मुश्किल लग रहा है। मगर अगर आने वाले दोनों महामुकाबले जीती है तो प्लेऑफ में जगह बनाती हुई दिखाई दे रही है। 6वें पायदान पर दिल्ली कैपिटल्स टीम चल रही है, जो कि साल 2024 में गजब का प्रदर्शन करने की उम्मीद से उतरी थी, मगर शुरुआती महामुकाबले में जिस टीम ने इतना बुरा
खराब प्रदर्शन किया जिसको किसी ने उम्मीद नहीं की थी। ऋषभ पंत की कप्तानी में इस टीम ने अच्छा कदम नहीं रखा और साल 2024 के आईपीएल में घटिया प्रदर्शन किया है, मगर बाद में कुछ महामुकाबले जीत कर यह पटरी पर लौटी और पिछले महामुकाबले में फिर बेंगलुरु के खिलाफ बुरी तरीके से 45 रन की हार झेली, जिसके कारण इसको अंक तालिका में बहुत बुरी स्थिति हो गई है। आंकड़े कहते हैं कि 13 महामुकाबले इसके फिनिश हो चुके हैं, 6 महामुकाबलों में जीत मिली है जबकि 7 महामुकाबलों में बुरी तरीके से इसको हार का सामना करना पड़ा है। दोस्तों इसके 12 अंक है, -0.482 की घटिया नेट रेट है। अगर आने वाला एक महामुकाबला जीत लेती है और नेट रेट अच्छी होती है और दूसरी टीमें गलत प्रदर्शन करती हैं तब यह प्लेऑफ में पहुंच पाएगी, वहां की इसकी उम्मीद है कि नाके बराबर दिखाई दे रही है। वहीं 5वें स्थान पर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम चल रही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु टीम ने जिस तरीके से प्रदर्शन की उम्मीद की थी वह तो शुरुआत में नहीं दिखाया, लगातार 8 महामुकाबले गवाकर यह टीम फिसल चलती हुई नजर आई, मगर फिर पिछले 5 महामुकाबलों में बैक टू बैक ने जीत हासिल की और गजब का प्रदर्शन करके सबको हिला डाला। आंकड़े गवाही देते हैं कि इस टीम ने खतरनाक वापसी की है, मगर यह प्लेऑफ में पहुंचने की कम उम्मीदें दिखाई दे रही है। 13 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में इस टीम ने खेले और 6 महामुकाबले में इस टीम को जीत हासिल हुई है, हालांकि 7 महामुकाबले में इसको शर्मनाक तरीके से हार झेलनी पड़ी है। इसके 12 अंक है और 0.387 की पॉजिटिव मैच ने नेट रेट कर ली है। अगर आने वाला एक महामुकाबला जो इसका लीग ग्राउंड को बचा हुआ है जीत लेती है, नेट रेट अच्छी कर लेती है और दूसरी टीमों का खराब प्रदर्शन रहता है, यानी कि हैदराबाद और चेन्नई खराब प्रदर्शन करती है, वह नेट रेट के मामले में उनसे आगे जाएगी तो प्लेऑफ में शायद पहुंच पाए, मगर कंडीशन बुरी दिखाई दे रही है। सनराइजर हैदराबाद टीम 4वें स्थान पर चल रही है। पैट कमिंस की कप्तानी में सनराइजर हैदराबाद टीम ने साल 2024 की शुरुआत में जो गजब का प्रदर्शन दिखाया ना वह सभी टीम को कुचल कर चला गया, जहां इस टीम की तरफ से अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड ने गजब की तूफानी बल्लेबाजी करके शुरुआत दिलाई, बीच में आकर फिर हेनरिक क्लासन ने गजब का प्रदर्शन दिया, गेंदबाजी में फिर शानदार गेंदबाजी करते हुए पैट कमिंस जैसे खतरनाक गेंदबाजों ने इस टीम को ऊंचाइयों तक पहुंचाया और अंत तक यह अभी टॉप 4 में बनी हुई है। 12 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल सत्र में खेलकर इसने 7 महामुकाबलों में जीत हासिल कर ली है, 5 महामुकाबले में इसको हार झेलनी पड़ी है। 14 है इसके अंक और 0.406 की पॉजिटिव नेट रेट है, यानी कि आने वाले समय में 2 में से कोई एक महामुकाबले जीत लेती है प्लेऑफ की टिकट लगभग पक्की हो जाएगी, यानी कि इसका रास्ता आसान दिखाई दे रहा है। वहीं पर चेन्नई सुपर किंग्स 3रे स्थान पर चल रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि चेन्नई सुपर किंग्स अभी प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई है। साल 2024 के सत्र में ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी, महेंद्र सिंह धोनी की उपस्थिति, रविंद्र जडेजा जैसे ऑलराउंडर खिलाड़ी की मौजूदगी में इस टीम ने गजब का प्रदर्शन करके टॉप में स्थान बनाए रखा, मगर फिर अंत में कुछ महामुकाबले गवाकर इस टीम की पटरी लड़खड़ा गई, जहां 13 महामुकाबलों में 7 में जीत हासिल कर चुकी है, 6 महामुकाबले में हार झेली है, 14 अंक है, 0.528 की पॉजिटिव में नेट रेट है, मगर आने वाला एक महामुकाबला बचा हुआ है उसको जीतना ही होगा, बेंगलुरु क्लब प्लेऑफ में पहुंच जाएगी, अगर हारती है तो फिर नेट रेट से इसको अभी संभावनाएं गड़बड़ा सकती है। वहीं पर दूसरे स्थान पर राजस्थान रॉयल्स टीम चल रही है। राजस्थान रॉयल्स टीम ने साल 2024 में संजू सैमसन की कप्तानी में गजब का प्रदर्शन करके कंसिस्टेंट प्रदर्शन दिखाया और सभी टीमों को प्रभावित किया। आपको जानकर हैरानी होगी कि रियान पराग, संजू सैमसन की तूफानी बल्लेबाजी, जोस बटलर की तूफानी शतक और यशस्वी जायसवाल की घातक बल्लेबाजी के दम पर इस टीम ने इस साल सभी को कुचल कर रख दिया, जहां पर शुरुआत में सभी महामुकाबले जीतकर सबको हिला दिया, मगर पिछले 3 महामुकाबले में लगातार हार मिल रही है। 12 में से 8 महामुकाबले जीते हैं, 4 महामुकाबले हारे हैं, 16 अंक, 0.349 की पॉजिटिव में नेट रन रेट है और यह महामुकाबले जीतकर यह प्लेऑफ में पहले ही क्वालिफाई कर चुकी है, हालांकि एक महामुकाबला 2 में से और जीत लेते हैं तो इसके पास क्वालिफाई का टैग और लग जाएगा। वहीं पर पहले स्थान पर कोलकाता नाइट राइडर टीम चल रही है और साल 2024 के आईपीएल में सबसे घातक प्रदर्शन करते हुए सबसे ज्यादा अंक हासिल करके इस टीम ने इतिहास रच दिया है। सुरेश अय्यर की कप्तानी, गौतम गंभीर की मेंटरशिप और रिंकू सिंह जैसे घातक खिलाड़ियों की उपलब्धि के साथ ही इस टीम ने सभी टीमों को कुचल कर रख दिया है। फिर बाद में सुनील रैना का तूफान भी आया, फिल शॉर्ट की ओपनिंग बल्लेबाजी देखने को मिली और यही कारण रहा कि साल 2024 की सबसे सफल टीमों में इसका नाम सुमार हो गया है। क्वालिफाई करने के लिए प्लेऑफ में सबसे पहली टीम बन गई और सबसे अच्छी नेट रेट के साथ यह इस साल गजब डा रही है। आंकड़े कहते हैं 13 महामुकाबले साल 2024 के आईपीएल में खेल चुकी है, 9 महामुकाबले में इस टीम ने जीत हासिल की है, 3 महामुकाबले में हार मिली है, 19 अंक है, 1.428 की पॉजिटिव में बेहतरीन नेट रन रेट है और इस महामुकाबले को टाई होने के बावजूद भी इसके 19 अंक है और साल 2024 के आईपीएल में सर्वाधिक अंक है। सबसे अच्छी कंडीशन में इसने प्लेऑफ में क्वालिफाई किया है, यानी एलिमिनेटर राउंड में यह टीम एक महामुकाबला हार कर भी फाइनल पहुंचने के लिए एक महामुकाबला और ऑप्शन मिलेगा। यह तो मौजूदा पॉइंट टेबल है, तो आपको क्या लगता है चेन्नई सुपर किंग, हैदराबाद और बेंगलोर में कौन सी टीम प्लेऑफ में पहुंचेंगी? प्रतिक्रिया कमेंट में दीजिए। नए हैं आईपीएल अपडेट के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।